रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। अब हाल ही में ही दोनों को वोट डालने पहुंचे थे, जहां दीपिका और रणवीर को फैंस के साथ साथ जो कि पेप्स ने भी जो कि घेर लिया था। और इस दौरान दीपिका पादुकोण को अपने बेबी पंप के साथ जो कि थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पत्नी को रणबीर कपूर ने इस दौरान खूब सपोर्ट किया और उन्हें संभाला भी। इस दौरान दीपिका पादुकोण काफ़ी धीरे धीरे चल रही थी और भीड़ से दूर रहने की कोशिश कर रही थी। इसके साथ ही दीपिका पादुकोण ने अपने बेबी पंप पर हाथ रखा भी था और ताकि वो सेफ रहें। और दीपिका पादुकोण की प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही चल रही है और ऐसे में हर औरत को संभल कर रहना होता है। जानिए दीपिका पादुकोण की तरह हर औरत को तीसरे जो कि ट्रांसमेस्टर में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। वहीं आप लोगों को बताना चाहेंगे, सेफ के अनुसार अगर आपको इस तिमाही में हैवी ब्लेंडिंग हो रही है तो सिर दर्द के साथ। वहीं आप लोगों को बताना चाहेंगे, जब मीडिया वालों ने जो कि बेबी पंप को देखा तो वो काफ़ी खुश नजर आए और दीपिका पादुकोण ने भी उनकर मुस्कुरा कर जवाब दिया। आप लोगों को बताना चाहेंगे, लोगों का कहना था और कई सारे लोग जो कि ट्रोल भी कर रहे थे कि दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को बता दें वोट डालने के दौरान दीपिका पादुकोण ने हरी झंडी दे दी है और उन्होंने बता दी है और उन्होंने अपना बेबी पंप भी दिखा दिया है, जिसे लोगों को लग रहा है कि अब दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट है और जल्द ही दीपिका और रणवीर सिंह माँ भी बनने वाले और वहीं रणवीर सिंह पेरेंट्स बनने वाले हैं। और फिलहाल इसकी वीडियो तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है और ज्योति सिंह ने भी और दीपिका पादुकोण ने भी जो कि साफ तौर पर जो कि बता दिया है। फिलहाल आप लोग भी देख सकते हैं लगातार वीडियो तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती नजर आ रही है।